और 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। करें इसके प्लेटफॉर्म की तो काफ़ी अच्छा सीधा प्लेटफॉर्म है। मीटर में हमें फुली कॉन्स्टेंट वेंस गेयरबॉक्स मिलता है जो कि लो मीडियम हाई लो हाई। यहाँ सटल शिफ्ट के साथ ये ट्रैक्टर आता है और ये सबसे अच्छी बात है इस ट्रैक्टर की। पीटीओ पावर की बात करें तो इस ट्रैक्टर में हमें लगभग 45.85 HP का ऑक्सिलरी वाल्व कंपनी से हमें लगे मिलता है इस ट्रैक्टर में, जिसका लीवर आपको यहीं दिख जाएगा। जय जवान जय किसान, मैं हूं शैलेंद्र गौरव, आप देख रहे हैं ट्रैक्टर गुरुजी। सोनालिका का टाइगर 50 52 HP कैटेगरी में ये ट्रैक्टर आता है सोनालिका का, और 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। बढ़िया ट्रैक्टर है, टाइगर नई सीरीज आई है इंडिया में सोनालिका की तरफ से, और काफ़ी ये सॉलिस कंपनी जो है उसके ट्रैक्टरों से काफ़ी मेल खाती है। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन इस ट्रैक्टर में हमको देखने को मिल जाता है, काफ़ी क्लासी लुक दिखता है, बहुत ही अच्छे दिखाई देते हैं। टायर साइज़ की अगर बात करें इस ट्रैक्टर में तो 750 के आगे के टायर, 750-16 के, और पीछे के 14-28 के टायर मिल जाते हैं। गुडियर के टायर हैं इस कंपनी में। ट्रैक्टर सिंगल सिलेंडर, जो आपका सिंगल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग होता है उसके साथ आता है, और ये ट्रैक्टर हमें लगभग 3 सिलेंडर इंजन के साथ मिलता है। और बात करें इसके प्लेटफॉर्म की तो काफ़ी अच्छा सीधा प्लेटफॉर्म है। ट्रैक्टर की बात करें तो कार टाइप का हमें इसमें स्टेयरिंग मिल जाता है, पावर स्टेयरिंग मिलते हैं, वो भी सिंगल एक्टिंग। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी बिल्कुल कार टाइप का होता है, स्विच मिल जाता है कार टाइप का, बंद करने के लिए नॉब मिल जाता है। ब्रेक और क्लच की बात करें तो उस टाइप के हमें इसमें पैडल मिलते हैं, जिनमें थोड़ा सा कंपनी को करना चाहिए था, सस्पेंडेड टाइप के देने चाहिए थे, बाकी ये भी काफ़ी हल्के हैं और बढ़िया हैं। फेंडर काफ़ी बड़े हैं ट्रैक्टर के। और गेयरबॉक्स की बात करें तो इस ट्रैक्टर में हमें फुली कॉन्स्टेंट वेंस गेयरबॉक्स मिलता है जो कि लो मीडियम हाई, लो हाई मीडियम के साथ आता है, और 1, 2, 3, 4 मतलब इस ट्रैक्टर में आपको 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स हैं। देखिए रिवर्स कहीं नहीं दिख रहा है आपको, ना इस साइड दिख रहा है ना इस साइड दिख रहा है, क्योंकि रिवर्स है इसमें। यहाँ सटल शिफ्ट के साथ ये ट्रैक्टर आता है, और ये सबसे अच्छी बात है इस ट्रैक्टर की। 50 HP कैटेगरी या 52 HP कैटेगरी में सटल शिफ्ट का होना बहुत ही अच्छी बात है। सटल शिफ्ट के कारण आप कोई भी डोजर इम्प्लीमेंट है या आप टारा है, आप इस ट्रैक्टर में आसानी से लगवा सकते हैं, और काफ़ी अच्छा एवरेज आता है, क्योंकि सेम गियर में जैसे आपने इसमें मीडियम में और सेकंड में इस ट्रैक्टर को डाला, और सेम आपने इस ट्रैक्टर को आगे किया, तारा आगे गया, और सेम इसी ट्रैक्टर को आप इसी गियर में पीछे कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है इस ट्रैक्टर में सटल शिफ्ट मिल रहा हमें। बाकी काफ़ी बढ़िया ट्रैक्टर है, देख सकते हैं आप। और ट्रैक्टर की अगर बात करें हम, ये प्लेट लगी दिखाई दे रही है। पीटीओ पावर की बात करें तो इस ट्रैक्टर में हमें लगभग 45.85 HP का पीटीओ पावर मिल जाता है, और SFC की बात करें तो इस ट्रैक्टर में 250 ग्राम प्रति घंटे प्रति किलोवाट की हमें SFC मिलती है। 3 पॉइंट लिंकेज के साथ इसकी लिफ्ट आती है, बढ़िया पीटीओ है। ऑक्सिलरी वाल्व कंपनी से हमें लगे मिलता है इस ट्रैक्टर में, जिसका लीवर आपको यहीं दिख जाएगा, देख सकते हैं। सपोर्ट फेंडर के लिए मिल जाती है, जो कि फेंडर को थामे रखती है, आवाज़ नहीं आती है। बढ़िया ट्रैक्टर है, सोनालिका का अपना बनाया हुआ ITL कंपनी का इस ट्रैक्टर में इंजन लगा है। तो आप भी अगर सोनालिका परचेज करना चाहते हैं तो एक बार जाके देख सकते हैं, बढ़िया ऑप्शन है टाइगर 50। हमारे यहाँ ये ट्रैक्टर राजपूत ब्रदर्स पर उपलब्ध है, जिनकी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको सामने मिल जाएगी, तो आप जाके संपर्क कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऊपर दी गई प्लेलिस्ट पर क्लिक करके अन्य वीडियो देखें। धन्यवाद।